वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, और इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में। तो पहले ये देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम क्यों पड़ा। मॉन्टेग्यू नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एंड चेम्सफोर्ड थे वाइसराय ऑफ इंडिया, तो इन दोनों के नाम पर ही इस एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिया गया। इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, और ये एक्ट एक लेंदी भी है, एक लेंदी एक्ट है जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो वो हम एक वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एस्टैब्लिश्ड ऑफिस ऑफ हाई कमीशन इन लंडन। तो इस एक्ट के थ्रू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था लंदन में। तो बेसिकली इनका काम क्या था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका वर्कलोड ज़्यादा था, उसी के वर्कलोड को कम करने के लिए ही ऑफिस ऑफ हाई कमीशन बनाया गया था लंदन में। और इनकी जो सैलरी होती थी वो भी पे होती थी फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो पहले क्या था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, अब उसे अबॉलिश कर दिया गया। अब उसकी जगह पे अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मतलब बाई कैमरा लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें कि एक अपर हाउस हुआ करता था, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस का टेन्योर था 5 ईयर्स का, लोअर हाउस का 3 ईयर्स का, और आप इनके मेम्बर्स भी देख सकते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेम्बर थे, आउट ऑफ 60 33 इलेक्टेड मेम्बर्स थे एंड 27 नॉन इलेक्टेड मेम्बर्स थे। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसमें आउट ऑफ 145 मेंबर्स 103 इलेक्टेड थे एंड 42 नॉन इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब इसमें डायरकी सिस्टम का भी प्रोविज़न लाया गया था। डायरकी सिस्टम जो था वो प्रोविंसेस में लाया गया था, ना कि सेंटर में। तो प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल लॉज बनाने का जो सिस्टम था उसमें रिजर्व सिस्टम, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर दो सब्जेक्ट कर दिए गए थे। और रिजर्व सब्जेक्ट में क्या था कि लॉज कैन बी मेड डायरेक्टली बाय गवर्नर विदाउट काउंसिल। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो होता था उसमें बेसिकली जो पावर होती थी वो जो डोमिनेशन होता था वो गवर्नर का होता था, क्योंकि वो काउंसिल से कंसल्ट किए बिना ही कोई भी लॉ डायरेक्टली बना सकता था। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या क्या आते थे, पॉलिसीज, रेवेन्यू, जस्टिस, ये सारे जो इसेंशियल डिपार्टमेंट्स थे, इसेंशियल जो लॉज थे जो उनको रिजर्व में रखा गया। और जो ट्रांसफर्ड वाले थे, ट्रांसफर्ड में क्या होता था कि अब काउंसिल के परमिशन के बाद जो है, काउंसिल से डिस्कशन के बाद ही गवर्नर कोई भी लॉ बना सकता था। तो इसमें आते थे हमारे पब्लिक वर्क, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। तो इस तरह से प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, मतलब कि रिजर्व एंड ट्रांसफर दो सब्जेक्ट्स थे। रिजर्व में गवर्नर का कंट्रोल होता था, काउंसिल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होते थे वो काउंसिल के डिस्कशन के बेसिस पे बनाए जाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट था कि वोटिंग पावर भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया था। पहले क्या था कि इंडियन को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो इसमें नाम मात्र का एक वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो किसके लिए था, इट वॉज फॉर सम पीपल डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन स्टेटस। तो ये एक तरह से जो प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हुआ करती थी वो इलेक्शन का राइट रखते थे, वोटिंग का राइट रखते थे, जो टैक्स पे करते थे, और जो इनका एजुकेशन स्टेटस हाई था तो कुछ ही एलीट जो क्लास हुआ करता था उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो ये एक नाम मात्र का ही था ये पावर को इंट्रोड्यूस करना। और नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक ही मेम्बर हुआ करते थे। लास्ट हमने जो एक्ट था उसमें डिस्कस किया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे 3 इंडियंस को अलाउ कर दिया गया आउट ऑफ 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। तो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब अपार्ट फ्रॉम कमांडर इन चीफ एंड वायसराय 6 मेंबर हुआ करते थे, जिनमें से 3 इंडियन थे और 3 ब्रिटिशर्स थे।
अब यहाँ पे हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये जो सिस्टम था वो लास्ट एक्ट में हमने पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द मुस्लिम्स। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया फॉर एंग्लो इंडियंस, सिख, क्रिश्चियन एंड यूरोपियंस के लिए भी। एक तरह से अब ये इस तरह से ये कर रहे हैं कि जो भी पार्टी होगी उसी कास्ट के लोग ही उस पर्सन को वोट देंगे। ये सिस्टम यहाँ पे, मतलब एक तरह से डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम था वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना लागू कर रहे हैं। मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देंगे और एंग्लो इंडियंस को एंग्लो इंडियंस ही वोट देंगे, सिख को सिख देंगे, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन। इस तरह से ये कास्ट में इंडियंस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट था कि प्रोविंस बजट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। तो अभी तक क्या था कि सेंटर और जो प्रोविंस का जो बजट होता वो एक साथ ही डिस्कस किया जाता था, उसका सेंटर के लिए अलग या उसके लिए प्रोविंस के लिए अलग बजट डिस्कशन नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या अलाउ कर दिया गया कि अब प्रोविंसेस भी अपना अलग बजट बना सकती हैं, अपना बजट डिस्कस कर सकते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इस एक्ट में बात हुई थी और फाइनली जाके 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था। और स्टेट्यूटरी कमीशन की भी बात कही गई थी कि इस एक्ट के आने के 10 साल के बाद एक ऐसी कमीशन का फॉर्मेशन किया जाएगा जो कि ये चेक करेगा कि इस एक्ट के में एक्ट के थ्रू क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं और रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट होगी वो उसके बारे में वो देखेंगे। एंड दे विल जज अबाउट दी पॉलिसीज, कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं और उनकी क्या पोजीशन है। तो इस तरह से 1927 में साइमन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हालांकि ये कमीशन 2 साल पहले ही बन गया था। तो ये था साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन इसीलिए फॉर्म किया गया था कि इस एक्ट के बारे में अपना फीडबैक और इसके जो प्रोग्रेस है उनको उनकी रिपोर्ट सबमिट कर सके। तो हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।